उस हाथ को लाख लाख नमाज जो ऐसे बेटे को जन्म दिया चलो मम्मी उस बच्चे को लग जाए जाइए जितने भी लेबर हैं सारे लेबर लेकर जाइए और सारी बोरियां गुलाब के अंदर भर डालिए और उसके बाद बोरियां गिन कर मुझे बतलाइए कितनी बोरियां हैं। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसा करो बिटवा कि वे दिनई के घर और घिर्राऊ के घर चले जाओ और उनसे कह दो कि जो कुछ हुआ था हम इसी वक्त वसूली पर जा रहे हैं और जो भी कुछ मिलेगा वो हम आपको ला कर देंगे। कुछ हुए दे दिए ब्याज लगा दे ठीक है सेठ जी। हम इसी वक्त उन लोगों के घर जाएंगे और लोगों से तगादा करेंगे और जो भी कुछ रुपए मिलेंगे हम इस रजिस्टर में चढ़ाकर और वो आपको हिसाब दे देंगे। ठीक अच्छा सेठ जी नमस्ते। तू कहे ना हमें सारे मिले तो समझा दियो कि ना पूरा होए तो जो कुछ हुए थोड़ा बड़ा थोड़े थोड़ा करके कह दिए सेठ जी। हम लोगों को अच्छी तरह से समझा दूंगा। हाँ नहीं तो फिर हमका ब्याज जोड़े कोई भी ब्याज ब्याज नहीं सेठ जी। हम उन लोगों को अपने तरीके से समझा दूंगा ताकि हमें भी दोबारा उनके घर जाना ना पड़े। ठीक है इसे पांडो
अमल करो कि मैं क्यों आया हूँ। हमें सिर्फ खाने के लिए अनाज चाहिए, रुपया पैसा होना नहीं चाहिए, सिर्फ खाने का राशन चाहिए। अरे बाप रे, बाप बाप का नाम मत ले, बाप को चला गया लेकिन शालिन उसको छोड़ गया। बाप के पहले तुझे जाना था लेकिन धरती का बोझ बना पड़ा है। सरदार जी, घर में खाने को है एक दाना नहीं, बताओ कहाँ से जितना माल गोदाम में भरा हमें सब कुछ मालूम है। जो सोना चांदी हीरे जवाहरात जो खजाने में भर रखा है मुझे सब कुछ मालूम है। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खाने का राशन। कसम माला की खाए के कहीं थे। अबे लाइट तो सही कर दो भाई, ये बंद कर दे।